हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप टिकटॉक पे स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। यदि आप टिकटॉक यूजर हैं तो आपको पता होगा टिकटॉक पे स्लो मो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। तो आज मैं बताऊंगा इस तरह के स्लो मोशन वीडियो आप कैसे बना सकते हैं जो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको आईफोन यूजर और एंड्रॉयड यूजर दोनों के लिए बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस बीच में मैं कहीं पे भी एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, इस एप्लीकेशन के कैसे यूज करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, तो सिंपल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है स्लो मो अप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्लो मो ऐप। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां से ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको परमिशन दे देना है। इसके बाद स्टार्ट स्लो मोशन पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो शूट कर सकते हैं स्लोमो में, या फिर जो वीडियो आपने ऑलरेडी पहले शूट करके रख रखे हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ वीडियो को एक्सपोर्ट किया था, तो उसमें से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को स्लो मो में करना है, तो आपको करना क्या, सिंपल सबसे पहले आपको इसको बिल्कुल इसे प्रेस करके रखेंगे, आप बिल्कुल इस तरह से आपको सेंटर में कर देना है। जब आपका सेंटर में होगा तो आप प्ले कर देख सकते हैं। तो अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ देखना स्लो मोशन कहाँ करना है, सिंपल यहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो इस लाइनिंग पे आपको प्रेस कर कर रखना है, कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ कर देना है। और इस यहाँ पे करना है तो कुछ इस तरह से आपको जहाँ पे आपको स्लो मोशन करना है वहाँ से आपको नीचे की तरफ कर देना है। तो फाइनली जब आपको प्ले करेंगे तो आपका वीडियो स्लो मो और फास्ट मोशन वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। और ज़्यादा इससे भी स्लो मोशन करना है बिल्कुल पूरा, अगर सारा वीडियो में आपको स्लो मोशन लगाना है तो कुछ इस तरह से बिल्कुल आसानी से नीचे की तरफ आपको कर देना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा वीडियो A to Z स्लो मोशन वीडियो हो चुका है। इस तरह से इस एप्लीकेशन से आप स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। यदि आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन दोनों बजाना है तो सिंपल यहाँ पर प्रेस करना है और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको कर देना है, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लो मो और फास्ट मो देखने को मिल जाएंगे। नीचे का जो लाइनिंग दिख रहा है वो आपको स्लो मोशन का है, और ऊपर का जो लाइनिंग है वो आपको फास्ट मोशन का है। जब आपका वीडियो हो जाएंगे स्लो मो और फास्ट मोशन में तो आपको क्या करना है, सिंपल सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी फिल्टर आप लगाना चाह रहे तो लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वालिटी पे, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी देखना है या फिर आपको वीडियो को रिवर्स करना है तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक, यहाँ इसके बाद यहाँ पे नो म्यूजिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे म्यूजिक मिल जाएंगे। तो सिंपल अगर एक्स्ट्रा म्यूजिक ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है तो सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं म्यूजिक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे मोबाइल में म्यूजिक नहीं है तो इसे हम बैक कर लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके करते हैं। इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में काम करता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डायरेक्ट आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आईफोन यूजर है तो आपको एप्पल स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है वीडियो स्पीड। सेम इसी तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।